आज भी मुझे हवा के साथ में दो दो हाथ करनी पड़ेगी। हवा बहुत तेज चल रहा है, ऊपर देख के उठ ही सकते आप अंदाजा लगा ही लो कि हवा कितना तेज है। साइकिल भाग नहीं रही है लेकिन भगा रहा हूँ मैं फिर भी। अंदर लगा लो साइकिल, साइड में नहीं नहीं जा करो यार। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रोहित सर सब मैं कर रहा हूँ पूरे भारत की यात्रा। और अभी मैं फ़िलहाल में एक रात को पेट्रोल पंप में रुक गया था। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, नहीं देखा होगा तो जाके देख लीजिएगा। और मैंने अभी अपना ये योगा मेट स्लीपिंग बैग को फोल्ड कर लिया है, बस इनको बाहर निकालते हैं और अपना टेंट को फोल्ड करते हैं। तो रात में मैं यहीं पर रुका हुआ था, ये मेरा टेंट है। ये पूरा बैग सामान निकाल लिया मैंने, बस मुझे अपना टेंट खोल के इस पेट्रोल पंप से निकलना। बस मेरा बैग रेडी हो गया है, बस ये बैनर को लगाना है और बस अपना काम हो गया। फिर मैंने मेरा पावर बैंक चार्जिंग फंसाया था तो ये साइकिल लेके अब यहाँ से निकलना है मुझे। ये रहा जियो का पेट्रोल पंप। यहाँ से यवतमाल और वर्धा दोनों बराबर है, बस 1-2 किलोमीटर का फर्क है। देखो मुझे पहले जाना है पुलिस थाना, उसके बाद निकलूँगा मैं यवतमाल के लिए। आया है क्या? 100 सौ फेटाचा होता, 100 सौ फेटाचा होता। पुलिस स्टेशन राधे। तो मैं थाने से निकल गया हूँ सब लोगों को फ़ोन लगा के कि मेरे को लेट हो रहा है और धूप भी बढ़ जाएगी करके मैं सब लोगों को फ़ोन लगा के आगे का सफ़र करता। कल मैं ये वाले रास्ते से आया था और अभी मुझे जाना है ये वाले रास्ते से। आवाज़ बहुत है यहाँ पर। यहाँ रुक के एक रील्स बनाया, हवा बहुत तेज चल रहा है इसलिए रुकना ही पड़ा। और सुबह से मैं अपना चेहरा इसलिए नहीं दिखा पा रहा था क्योंकि सूरज देवता इधर से दिख रहे ना, और मैं ऐसे चल रहा तो पीछे से पूरा ब्लैक दिखेगा करके मैं अपना चेहरा नहीं दिखा रहा था। और जो ये बाबुल के काटे है ना लाइटी और इसने मेरे पैर को काट दिया है, दिखाता मैं। ये देखो ये मेरे पैर को काट दिया है, क्या बताऊँ। एक ये और एक ये दो जगह बहुत दर्द दे रहा है। चलते धीरे धीरे और सफ़र काटते हैं यहाँ से और यवतमाल समथिंग। यहाँ से यवतमाल और 23 किलोमीटर दूर है और वर्धा 50 किलोमीटर और यहाँ से नागपुर 150 किलोमीटर और मुझे जाना है यवतमाल इस साइड पे। और रास्ता तो अच्छा है लेकिन हवा इतनी ज़्यादा चल रही है ना, क्या बताऊँ मैं, साइकिल चला के ही नहीं हो रहा है। ये चौक से मुझे अब अलग होना है, एक वर्धा जाएगा, एक नागपुर और एक जाएगा यवतमाल, जो कि ये वाला रास्ता जाना है मुझे। मैंने अपनी साइकिल बाहर रखा और हवा देखो भाई क्या तेज चल रही है। यवतमाल और यहाँ से 20 किलोमीटर जो है आगे। और मैं आके यहाँ छाया में बैठा था, हालत पूरी गंभीर है मेरी। इसी महीने में मोदी जी यहाँ आने वाले हैं, उसी की तैयारी चल रही है यहाँ पर जोरों शोरों से।
तो मैं वर्तमान पहुंच गया यहाँ से 11 किलोमीटर अंदर है, लेकिन मैं रॉन्ग रास्ता आ गया, यहाँ से नखना पड़ेगा। एक बजने वाला है और मैं अभी जाके पहुंचा हूँ यवतमाल, और मेरी हालत मत पूछो भाई, हवा इतना परेशान कर रहा है ना आजकल, कल से मत। और यही वाले महीने में या आने वाले महीने में 28 या 29 तारीख को मोदी जी आने वाले यहाँ पर, इसीलिए ज़ोर शोर से यहाँ तैयारी चल रही है। और जो मेरे को ये हवा परेशान कर रहा है ना, वो मेरी तो हालत ख़राब हो गई है, चल के नहीं हो रहा, हाथ पे तल देने लगे, पर पैदल ही मारते रहे। लेकिन हवा या कोई मुकाबला नहीं मेरे, देखो हवा खाली भाई, अब तेरी तो मैंने यवतमाल में शिव भोजन में खाना खाया, जो कि 10 रुपये थाली, 10 रुपये दे के एक थाली मिलती थी, तो यहीं पर खाया, अच्छा था। तो 10 रुपये की थाली आपको पता होगा कैसी होगी। अरे ये रहा यहाँ पर चच्चा वगैरह, यहाँ से मुझे औरंगाबाद जाना है, जो कि 360 किलोमीटर, अमरावती है 90 किलोमीटर, नासिक है 596 किलोमीटर, सॉरी 94 किलोमीटर है। और ये रास्ता जाएगा औरंगाबाद। मैं जिससे मिलने आया था यवतमाल में, वो नहीं है, वो दिल्ली में है, तो उनसे नहीं मिल पाया, ये दुख है। तो यहाँ से मैं निकल रहा हूँ सीधे औरंगाबाद के लिए, यहाँ से बाय रोड साइकिल चलाते हुए, यहाँ से करीब 3 दिन का रास्ता मेरा, तो देखते हैं कितने दिन में पहुँचते। अमरावती 90 किलोमीटर, अकोला 160 किलोमीटर, यवतमाल से मैं निकला और मुझे जंगल मिला। और इतना रास्ता बहुत खूबसूरत है, लेकिन इतना टेक चढ़ाव है ना, पैडल मारते रहो और मत पूछो, हवा इतनी तेज है, ओए होए। जब से मैं चंद्रपुर से निकला था तब से ऐसे जंगल देखने को नहीं मिले थे, लेकिन फाइनली अब देखने को मिला, अच्छा है। जंगल भी बहुत खूबसूरत है। दोस्तों मैं अभी यवतमाल से लगभग 50 किलोमीटर दूर, सॉरी 50 नहीं 40 किलोमीटर आया हुआ, और यहाँ पर एक गांव है जहाँ पर मैं रुकने वाला हूँ, यहाँ से समथिंग 5 किलोमीटर, यहाँ से 5 किलोमीटर चलते हैं, वहाँ रुक जाऊँगा। किसी भी हालत का शाम होने से पहले रहने का इंतज़ाम देखना है, क्योंकि कल बहुत शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था, रात हो गई थी, करीबन 9 बज गया था कल, आज हो अभी 5:30 बज रहे हैं, बस आधे घंटे में सूरज उदय भी चले जाएंगे। अभी 5:30 बज रहे हैं, आधे घंटे में सूरज देवता भी चले जाएंगे, तो मुझे भी जल्दी से जगह देखना है, 5 किलोमीटर चलते हैं,
अगर नहीं मिलेगा जगह कोई जगह में तो फिर पुलिस थाने चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जल्दी जल्दी देखते हैं। रास्ते बहुत अच्छे हैं लेकिन जो हवा चल रहा है ना वो गलत साइड से चल रहा है, मुझे आगे नहीं जाने दे रहा, नहीं तो सब मज़ा आ जाता भाई। जहाँ पर पहुँचना वहाँ तो पहुँच तो गया हूँ, बस हम यहाँ रहने की जगह देखना है। क्या नाम है? दरवाहा। यह हवा देखो कितनी तेज चल रहा है भाई, आज तो हवा नहीं मिल जा कर दे मेरी। ओहो आज भी रहने की जगह मिल जाएगी क्योंकि पुलिस वाले सर है साथ में, कोई दिक्कत नहीं होगी। गजान है पूरी फिर यांना भ्रमण करायचं असते। हो तो थोडं हिंदी मध्ये बोलत आहे, हिंदी 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 नाही, मुझे मराठी समजली जाती। पाणी की व्यवस्था नाही, पाणी की सोने की व्यवस्था आहे। नाही नाही हम खाना बना लेंगे, हमारे पास सामान है। ठीक है ना, खाना कौन बना सकते, सब कर सकते इधर भी। हां ठीक है, पापा से कुठे जायचं? लाउंज अंदर लगा लो साइकिल। ठीक है सर, पैसे से साइड में नहीं जा करो, यांना दाखवून। मैंने अपनी साइकिल यहाँ खड़ी किया है, पहले जगह देख लेते हैं। मेरे हिसाब से तो यहीं ठीक रहेगा क्योंकि यहाँ बोल्ट है तो चार्जिंग वार्जिंग फंसाने का ठीक होगा। और मैं भी आज गजानन मंदिर पे रुक रहा हूँ, जो कि ये मंदिर है। हाँ यार मुझे वहीं रुकना चाहिए क्योंकि इधर जगह तो है लेकिन क्या है लाइट की सुविधा नहीं मिल पाएगी मोबाइल वोबाइल चार्ज करने, तो यहीं लगा लेना चाहिए मुझे टेंट। दोस्तों अभी मैंने जस्ट नहाया, ऐसा नहाया है कौवा स्नान जैसे मत पूछो। ये मैंने अपनी चटनी बनाया टमाटर और प्याज की, उसमें चावल है और बस अब खाते हैं। बाजू में आरती चल रही है गणेश मंदिर है तो, और मेरा हाल पसीने से पूरा लथपथ है क्योंकि मैंने अपना टेंट लगा के यहाँ पर अपना खाना बनाया था ना, बहुत गर्म लग रहा है बहुत ज़्यादा। अभी रात के 2 बज रहे हैं और मैंने वीडियो ख़त्म नहीं किया था, इसकी नींद होने के बाद ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। और मैं जहाँ रुका हूँ अब मैं टेंट डाल के मंदिर में रुका था और तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं एक नए।